ये बहुत ही अच्छा है, मतलब जिनके पास भी ये स्किल है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं ताकि वो आगे जाके अपना कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाजवान से अलग जो है हम और भी डिशेस बना सकते हैं और यहाँ पे हमें वो मौका मिल गया, इसलिए हम थैंक यू करना चाहते हैं होम शेफ़ जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इसमें अगर हार जीत तो होती रहती है, कम से कम जो एक मिलता है हमें सीखने को मिलता है वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसका फॉर्मेट भी बहुत अच्छा था कि आपको ऑनलाइन पहले रजिस्टर करना है, एक वीडियो अपलोड करना है इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसमें 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे। उसके बाद हमने एक राउंड किया कि सिलेक्शन हुई वीडियोस की, जिसके बेस पे 18 शॉर्टलिस्ट हुए फॉर सेमीफाइनल और आज जो आप देख रहे हैं इसमें 6 फाइनलिस्ट हैं। मुझे लगता है यहाँ फूड की तो बात है लेकिन अच्छे और खालिस फूड की बात है या बिल्कुल हाइजीनिक और प्योर खाने की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के साथ साथ फूड अवेयर खुद भी अवेयर हो जाए और लोगों को भी फूड अवेयरनेस दे दें। हिसाब से बहुत अच्छा है क्योंकि कश्मीर जो है इट इज़ वेरी रिच इन कल्चर और मतलब हमारा फूड जो कल्चर है हम उसको बहुत मतलब लाइक करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स और हो क्योंकि अभी एक्सपोजर नहीं है मतलब कुकिंग में कॉम्पिटिशन्स वगैरह का जैसे कि इंडिया में वगैरह में है। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इससे हमारे बच्चों को और एक्सपोजर मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।